सेब की मिठास अब हमीरपुर में भी मिल रही है, क्योंकि हमीरपुर जिला के गसोता गांव में पिछले 3 सालों से सेब के पौधे पर रसीले सेब लगने से बागवान चहके हुए हैं। हमीरपुर जैसे गर्म क्षेत्रफल वाले इलाके में सेब के लिए वातानुकूल होने से लोग भी हैरान हैं, क्योंकि पहले ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में ही सेब की पैदावार हो पाती थी। सेब की मिठास अब हमीरपुर में भी मिल रही है, क्योंकि हमीरपुर जिला के गसोता गांव में पिछले 3 सालों से सेब के पौधे पर रसीले सेब लगने से बागवान चहके हुए हैं। हमीरपुर जैसे गर्म क्षेत्रफल वाले इलाके में सेब के लिए वातानुकूल होने से लोग भी हैरान हैं, क्योंकि पहले ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में ही सेब की पैदावार हो पाती थी। जिला के गसोता गाँव में रिटायर्ड CHT बलवंत सिंह के आंगन में मीठे सेब लगने से लोग भी हैरान हैं। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला के गसोता गांव में रिटायर्ड CHT बलवंत सिंह की मेहनत रंग लाई है और पिछले 6 सालों से मेहनत से तैयार हुए सेब के पौधे अब मीठे सेब दे रहे हैं। हालांकि बागवानी विभाग की ओर से सेब उत्पादन के लिए कोई भी प्रशिक्षण दिए जाने या मार्गदर्शन किए जाने के लिए पहल नहीं करने से सेब की फसल पर संकट के बादल छाए हुए हैं। बलवंत सिंह का कहना है कि शिक्षा विभाग से वर्ष 2006 में रिटायर्ड होने पर बागवानी की ओर रुख किया और घर के साथ ही जमीन पर सेब, आड़ू, लीची, अमरूद, आंवला, पलम के पौधे लगाए हैं। उन्होंने बताया कि सेब के पौधों पर इस बार अच्छा फूल आया था, लेकिन बीच में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से कम सेब लग पाए हैं। बलवंत सिंह ने बताया कि सेब उत्पादन के लिए बागवानी विभाग के द्वारा भी सही मार्गदर्शन नहीं किए जाने पर सेब खराब हो रहे हैं, क्योंकि सेब की कटिंग भी सही ढंग से नहीं हो पाती है। उन्होंने विभाग से मांग करते हुए कहा कि अगर बागवानी विभाग सेब उत्पादन के लिए ध्यान दे तो हमीरपुर जिला में भी सेब की बम्पर फसल पैदा हो सकेगी। मैं मैक्सिमम सर्विस मंडी जिला में की पहाड़ों में, तो वहाँ बगीचे थे, वहाँ से मेरे को थोड़ी सी इंटरेस्ट हुई और जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने यहाँ पर अपने कार्रवाई शुरू की और इनकी समय समय पर देखभाल करता हूँ। लेकिन अब बात ऐसी है कि इसमें थोड़े से छेद पड़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अब विभाग से कुछ इसकी जानकारी ली जाए ताकि इसमें प्रोग्रेस ठीक ढंग से आ सके। 4 साल से सेब जो लग रहे हैं, पर मैं एक बार कटिंग की कराई थी, लम्बड़ू से आया था एक कर्मचारी, तो उन्होंने कटिंग तो की, बाकी जो है वो समय पर जानकारी लगी। अब इस काफ़ी अच्छे लगे हुए थे, लेकिन तूफान के कारण और इसमें जो कीड़ा लग रहा वो गिर रहे से सड़ रहे हैं, तो इसमें कामयाबी काफ़ी हद तक हो सकती है और काफ़ी हमारा हमीरपुर जिला जो है एडवांस हो सकता है। नहीं, इसमें ठीक है, प्रोग्रेस अच्छी रही, फलों की काफ़ी अच्छे लगे हुए, ऐसी बात नहीं है, और साइज भी अच्छा बना हुआ है इसका। गाँव में काफ़ी लोगों ने सेब के पौधे लगाए हुए हैं, लेकिन समय पर जो है इसकी विभागीय तरफ से कोई गाइडेंस नहीं हो रही है। अगर इसको समय पर गाइडेंस मिल जाए तो काफ़ी ये एडवांस फलदार पौधे हो सकते हैं और इसकी मार्केट रेट भी ठीक हो सकती है। वहीं स्थानीय युवा विनय कुमार का कहना है कि गसोता गांव में सेब के फल लगे हुए हैं, जिससे खुशी हो रही है, क्योंकि पहले सेब ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में ही लगते थे और ये सेब के फल बहुत ही मीठे भी हैं। हम बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ भी हमीरपुर गसोता गांव में सेब लगे हैं। पहले हम मंडी या शिमला जाते थे, उधर ही सेब देखते थे, लेकिन हम हमारे अपने जिले हमीरपुर में भी सेब की पैदावार हो रही है, तो इससे हमें बहुत खुशी हो रही है। वहीं गृहिणी धर्मी देवी का कहना है कि घरों के साथ लगाए गए पौधों पर सेब लगने से खुशी होती है, और निचले क्षेत्रों में कहा जाता था कि सेब नहीं लग सकते हैं, लेकिन सही देखरेख के चलते सेब के पौधों पर मीठे सेब लगे हुए हैं। सेब की फसल अपनी मेहनत का फल हमें मिल रहा है। पहले तो हम सोचते थे कि ऊपर पहाड़ी इलाकों में भाई सेब की फसल अच्छी होती है, तो हम सोचते थे कई बार भाई सेब हम कैसे लगाएं, और हमें भाई कुछ मेहनत और बूटे मिले, हमने लगाए 5-6 साल से, हमें ये फायदा मिल रहा है, अच्छे फल मिल रहे हैं, अच्छी ग्रोथ है और खाने में स्वादिष्ट है, तो हम कोशिश ही करते हैं 5-10 बूटे और लगाएं तो इससे और ज़्यादा फायदा मिले। और ये अभी निचले इलाके में कहते थे नहीं सेब होगा, पर नहीं, पूरी भाई कोशिश है कि यहाँ पैदा हो गए। इस बात में हम ये कह जाएं, पहले तो हम सोचते थे भाई ऊपर पहाड़ी इलाकों में सेब होते हैं, पर अब ऐसे होते हैं गर्म इलाकों में भी हमने भाई कोशिश की कि सेब के पौधे लगाने की, तो हमें भाई पूरी कामयाबी मिल रही है, जिससे भाई अच्छे फल मिल रहे हैं हमें,
और इसे कोशिश और है भी चलो हम और भी सेब के बूटे लगाएं तो भाई काफ़ी फायदा मिलेगा हमें। खाने में अच्छा टेस्ट है, दिखने में भी अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है। गौरतलब है कि गसोता गांव में किसानों के खेतों में लगाए गए सेब के पौधों पर रॉयल सेब की तरह सेब लगे हुए हैं। अगर इन सेब के पौधों की सही देखरेख की जाए और बागवानी विभाग सेब उत्पादन से संबंधित बागवानों को प्रशिक्षण दे तो हमीरपुर जैसे निचले क्षेत्रों में भी सेब उत्पादन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।